वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स। दोस्तों, आज हम फिर से फिजिक्स में अपने नए लेक्चर के साथ, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है तरंगे, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेव्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, मेरा चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स, आप वहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट में सारे क्रैश कोर्स देख सकते हैं, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। अब तक जितना हुआ है वो पूरी वीडियो वहाँ पर सिक्वेंस हैं, तो आप इजीली वहां से देख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक तरंगे वेव्स। अगर मैं फिजिक्स को छोड़कर नॉर्मली बात करूं, तरंगे वेव्स क्या होती हैं, तो तरंग का मतलब होता है लहर, ठीक है। तरंग का मतलब क्या होता है? लहर। अब ये क्या है, क्या आपकी रियल लाइफ में कैसे ये काम करता है, वो चीज़ मैं अब आपको समझाती हूँ। देखिए दोस्तों, एक लाउड स्पीकर है जिसमें गाना, एक स्पीकर है जिसमें गाना बज रहा है, और वो आपके घर से काफ़ी दूर है, या कोई शादी है उसमें गाना बज रहा है स्पीकर के अंदर। तो देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि जहाँ स्पीकर में गाना बज रहा है, तो वहाँ पर जो कण हैं, स्पीकर के कण कंपन वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, क्या आवाज़ उसकी वहीं तक सीमित है? नहीं, आवाज़ आपका घर अगर उसके जस्ट पास में है तो आपको भी सुनाई देगी। और वो क्यों दे रही है? क्योंकि वहाँ पर काम कर रही हैं तरंगे। कंपन तो स्पीकर कर रहा है, लेकिन कंपन के कारण जो तरंगे आ रही हैं, लहरें बन रही हैं, उसी के कारण आपके कानों तक सुनाई आ रही है, और वो कहलाएगी आपकी ध्वनि तरंग। अब देखिए, डेफिनेशन से अगर मैं समझूं क्या है तरंगे, यह वह विधि है जिसमें माध्यम, माध्यम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर माध्यम क्या था अभी एग्जाम्पल में, स्पीकर, स्पीकर क्या था, एक माध्यम था जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। देखिए स्पीकर क्या था, उसके जो कण थे, जब वो चला तो क्या हुआ, उसमें आवाज़ आनी हुई, तो उसके जो कण हैं वो उसी स्थान पर कंपन करने लगे। आप फील भी कर सकते हैं, अगर आप स्पीकर पर हाथ रखेंगे तो धक धक फट इस तरह की आवाज़ आती है, तो वो कंपन होता है। तो कंपन होता है माध्यम में, और क्या होता है उसके कारण, कंपन के कारण क्या होता है, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ती है, और वही ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, लहरों की फॉर्म में होती है, तभी आपके कानों तक वह आवाज़ आ जाती है। तो क्लियर हुआ क्या होते हैं तरंगे। देखिए तरंगे क्या होती हैं, किसी तरंगों में, कुछ तरंगों में माध्यम की ज़रूरत होती है और कुछ तरंगों में माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, तब भी तरंगे काम करती रहती हैं, वो चीज़ें हम अभी बाद में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तरंगे जो होती हैं वो मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, वैसे तो ये तीन होती हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सिर्फ अभी दो ही प्रकार की तरंगों को आपको ध्यान में रखना है। कौन सी तरंगे? एक होती है यांत्रिक तरंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और एक होती है हमारी अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसे हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद रखेंगे मुख्यतम तरंगे जो हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, दो। कितनी तरंगे? यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पुट होंगे। अब जो यांत्रिक तरंगे हैं और या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, दोस्तों एक क्वेश्चन आया है कि ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे जाना क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दिए थे, तो वहाँ पर आंसर होगा तरंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि वो वस्तु मूव नहीं करती। देखिए स्पीकर बज रहा था, स्पीकर थोड़ी ना उठ के आया, कण तो वहीं कंपन कर रहे थे उसके, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा था, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ रही थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब हम देखेंगे यांत्रिक तरंगे, जिन्हें हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। देखिए दोस्तों, मैं इसको अगर आपको समझाऊं तो इसके लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्वेश्चन यही आता है कि किन तरंगों में माध्यम की ज़रूरत होती है, वो होती है यांत्रिक तरंगे। माध्यम जैसे अभी था, पिछले वाले मैंने जब आपको एग्जाम्पल समझाया स्पीकर, वो वहाँ पर क्या था, एक माध्यम था। अब देखिए इसका मैं अगर उदाहरण दूँ, अगर मैं अपना मुँह बंद कर लूँ तो क्या मेरे मुँह से आवाज़ निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी ना। तो क्या हुआ दोस्तों,
यहाँ पर एक माध्यम चाहिए ही चाहिए तरंग उत्पन्न करने के लिए। देखिए, ध्वनि तरंग जब ही उत्पन्न होगी जब कोई माध्यम होगा। ऐसा तो है नहीं कि ध्वनि तरंग अपने आप हो जाएगी। देखिए, अगर मेरा मुंह बंद है तो क्या मैं किसी दूसरे तक अपनी बात पहुंचा पाऊंगी? बोलकर नहीं पहुंचा पाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने मुंह खोला, इसका मतलब मेरा माध्यम, मुंह जो है वो मेरा माध्यम है, उससे आवाज़ हुई और आवाज़ से कण जो है मेरे मुंह के कंपन हुए और ध्वनि एक सामने वाले इंसान के कान तक पहुँच गई। वही वाली तरंगें जिनमें माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है वही तरंगें कहलाती हैं यांत्रिक तरंगें। और अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे, ये तरंगें वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम, कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस में संचरित होती हैं, वही क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों को किसी माध्यम में संचरण करने के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम में इलास्टिसिटी या जड़त्व के गुण मौजूद हो। मतलब कहने का मतलब है खिंचाव हो या मतलब उसमें बोलने की वो हो, मतलब एक माध्यम, सिंपल सी बात, ये चीज़ अभी आप ध्यान मत रखिए, आप सिंपल ये बात याद रखिए, एक माध्यम की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है और उस माध्यम में क्या होती है, खिंचाव, इलास्टिसिटी, झंझनाहट होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो वही होती है आपकी यांत्रिक तरंगे। और ये यांत्रिक तरंगे उत्पन्न कैसे होती हैं? ये तरंगे पदार्थों के कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं। मैं अगर बोल रही हूँ तो मेरे मुंह के कण जो हैं वो कंपन कर रहे हैं और उसी कंपन के कारण ये तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। जैसे स्पीकर है, स्पीकर के कण कंपन कर रहे हैं और उन कंपन से जो तरंगे बन रही हैं वो होती हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किन तरंगों में क्या कहते हैं माध्यम की आवश्यकता होती है, दैट इज़ यांत्रिक तरंगे। अब यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा, एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, एक होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन यहाँ से ही पुट होते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझाऊँ। ठीक है दोस्तों, आइए तो अब हम ये देखते हैं इसके टाइप होते हैं, क्या होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है दोस्तों, ये तरंगे क्या होती हैं, इसको डेफिनेशन से हम समझते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं तो उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एक तो सीधा क्वेश्चन यही आता है कि जब माध्यम के कण तरंग की दिशा में ही दोलन करते हैं तो वो कौन सी तरंग होती हैं? वो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ आपने इस तरह का कोई स्प्रिंग देखा होगा, ठीक है, और आपने क्या करा, उस स्प्रिंग को खींचा, ठीक है, एक जगह से आपने खींचा तो क्या हुआ, कणों में कंपन हुआ। जैसे ही आपने उसको छोड़ा, एकदम से क्या होगा, कण जो है वो कंपन करेंगे और कण के कंपन करने के कारण से जब तरंग जो उत्पन्न होगी वो भी कण की दिशा में ही होगी। अगर कण इधर की तरफ कंपन कर रहे हैं तो जो तरंग की गति है वो भी इधर की ही तरफ होगी। जब कण का कंपन और गति जो है सेम डायरेक्शन में होती है वो तरंग कहलाती हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे वायु की तरंगे होती हैं, भूकंप की तरंगे होती हैं। भूकंप में क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है जहाँ से कंपन होती हैं, कंपन होता है वहाँ से, और उसके कारण क्या होता है, फिर जिधर से कंपन हो रहा है उसी दिशा में भूकंप जाता है, इधर उसका केंद्र बिंदु होता है। तो वो वाली जब कंपन भी जिस दिशा में हो रहा है, कण जो है कंपन जिस दिशा में कर रहे हैं और तरंग भी उसी दिशा में दोलन कर रही हैं तो वो तरंगे आपकी क्या कहलाती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगों में जब अनुदैर्ध्य तरंगे इस तरह से चलती हैं तो उनमें दो चीज़ें काम करती हैं, एक होता है उसमें स्पीडन और एक होता है विरलन। पूछा हुआ चीज़ है कि स्पीडन और विरलन क्या होते हैं, तो मैं वो चीज़ आपको समझा देती हूँ। स्पीडन क्या होता है, कंप्रेशन। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जब क्या होता है, माध्यम के जिस स्थान पर कण पास पास आ जाते हैं तथा घनत्व अधिक हो जाता है उसे स्पीडन कहते हैं। देखिए जहाँ पर क्या होगा, स्प्रिंग बहुत पास पास होंगे, उनके कण जो हैं वो बहुत पास पास होंगे तो वही क्या होता है, कंप्रेशन, स्पीडन कहलाता है। लेकिन जब जहाँ पर खिंचाव बहुत ज़्यादा होगा, माध्यम के कण जिस स्थान पर दूर दूर हो जाते हैं और दूर होने के कारण घनत्व तो कम हो ही जाएगा, उसे कहते हैं विरलन। ठीक है, याद रहेगा
ये है रेयर फैक्शन, ठीक है। जब कण बहुत दूर दूर होते हैं वो रेयर फैक्शन होता है, और जब माध्यम के स्थान के कण पास पास आ जाते हैं वो होता है आपका कंप्रेशन। याद रखिएगा स्पीडन और विरलन क्या है, माध्यम के कण पास पास स्पीडन, और जब माध्यम के कण दूर हो जाते हैं जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं वो होता है आपका रेयर फैक्शन। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। और इसके देखते हैं हम उदाहरण, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पर लिखा है वायु में उत्पन्न तरंगे, जो वायु में उत्पन्न तरंगे होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। भूकंप तरंगे, स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे आदि सब क्या हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण हैं, क्योंकि वहाँ पर कण के कंपन और जो उसकी दिशा है तरंग की दिशा वो एक ही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं यांत्रिक तरंग में दूसरी प्रकार की तरंगे, वो कौन सी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। देखिए दोस्तों अगर आपने अनुदैर्ध्य तरंगे अच्छे से देख लिया है अभी तो इससे आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर गलत नहीं करके आएंगे। क्वेश्चन आएगा क्या कि उस स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे किसका उदाहरण है, आपको ऑप्शन दे देगा तो वहाँ पर आप टिक करेंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो अब देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव, ये वेव क्या होती हैं, यदि माध्यम के कण तरंग की गति के दिशा के लंबत दोलन करते हैं वही तरंग क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग या फिर ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। देखिए हुआ क्या, इसका एग्जाम्पल सीधे आपको डायग्राम से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक पेड़ पे अगर रस्सी बांध दी है और यहाँ पर एक इंसान इस रस्सी को ऊपर नीचे कर रहा है इस तरह से, ऐसे करके इस तरह से, तो इस तरह से जो क्या हो रहा है कि देखिए आपके कण तो जो रस्सी के कण हैं वो तो ऐसे ही ऐसे क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्या कहते हैं, ऐसे ही कण कंपन कर रहे हैं, लेकिन जो तरंग उत्पन्न हो रही है वो इस तरह से हो रही है, ठीक है। वो चीज़ क्या कहलाती है, जब 90 डिग्री, देखिए लंबत हो गया ये, इसके कण इस तरह से हैं लेकिन जो तरंग बन रही हैं वो 90 डिग्री पर बननी है, लंबत बन रही हैं, तो वो वाली तरंगे कहलाती हैं आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। क्लियर हुआ क्या होती है अनुप्रस्थ तरंगे, जब तरंग की गति की दिशा कण के लंबत दोलन करती है तो वही क्या कहलाती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण की बात करूं, तनी हुई डोरी या तार में कंपन, अभी जैसे मैंने पीछे आपको डायग्राम में दिखाया था किसी डोरी के एक सिरे को दीवार से बांधें और दूसरे सिरे को मुक्त सिरे से बार बार आवृत्ति के रूप में ऊपर नीचे झटका दिया जाए तो इस प्रकार कंपन करती हुई डोरी में इसके कण के कंपन जो है तरंग की गति की जो दिशा होती है वो लंबत होती है और यही क्या है अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। जैसे आपने क्या हुआ रस्सी हिलाई तो रस्सी के कण तो ऐसे ही कंपन कर रहे हैं लेकिन जो तरंग उत्पन्न हो रही है वो कण के लंबत 90 डिग्री पर उत्पन्न हो रही है, वही होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंग। पानी की सतह पर बनने वाली तरंगे, पानी की सतह पर बनने वाली लहरें भी किसका उदाहरण होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होती है। देखिए दोस्तों क्या होता है, पानी है, अगर पानी में आपने पत्थर फेंका तो देखिए दोस्तों क्या होगा, उसमें लहरें आ जाती हैं, तो वो लहरें क्या होती हैं, ऊपर जो होती हैं वो सतह तो पानी की परतें होती हैं, पानी की परत के क्या होती हैं, जब वो कंपन होने के कारण जो तरंगे होती हैं वो लंबवत होती हैं, ठीक है। पानी में जब लहरें बनती हैं तब पानी के कण अपने स्थान पर ऊपर नीचे तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। आपने देखा ही होगा जब लहरें उठती हैं तो पानी तो देखिए स्ट्रेट ही है, पानी में जो पानी है वो तो सीधे उसके कण कंपन कर रहे हैं, पानी तो ऐसे ही है, लेकिन जब वो तरंग उठ रही हैं तो वो ऊपर नीचे इस तरह से उठती हैं, आपने देखा ही होगा बार बार ऊपर आती नीचे आ रही हैं, तो वहाँ पर तरंगों की दिशा क्या है वो लंबत है लेकिन पानी के कण जो हैं वो स्ट्रेट हैं, तो वो इसी वजह से जो तरंगे वहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं वो कौन सी तरंगे हैं आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अब जो एक क्वेश्चन इसका एग्ज़ाम में पूछा गया है अनुप्रस्थ तरंग को लेकर वो ये है कि अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वो केवल ठोस माध्यम एवं द्रव के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। तो क्वेश्चन यही आया है कि कौन सी तरंगे ठोस माध्यम एवं द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं, वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों का क्या था कि वे ठोस द्रव या आपके क्या कहते हैं गैस तीनों में ही उत्पन्न की जा सकती हैं किसी
किसी तीनों में ही उत्पन्न की जा सकती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस और द्रव की ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। ध्यान रहेगा आपको, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि कौन सी तरंग गैसों में उत्पन्न नहीं होती, तो वहाँ पर भी आप अनुप्रस्थ तरंगें करेंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं इस तरह से अनुप्रस्थ तरंगें काम करती हैं, ठीक है। द्रवों के भीतर एवं गैसों में उत्पन्न तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें नहीं होती, वहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं वो उत्पन्न नहीं होती। देखिए जब क्या होता है, इसमें एक साइकिल होता है। जैसे सपोज मैंने माना यहाँ से चक्कर शुरू करा तरंग का, तो तरंग ऐसे गई और फिर वापस यहीं पर आ गई, तो यहाँ पर एक पूरा साइकिल काम करा। तो ये जो यहाँ से जाना और नीचे से फिर ऊपर आना उसी स्थान पर, वो क्या कहलाती है, वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है दोस्तों, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है वेवलेंथ। कितनी ऊंचाई तक गई, देखिए तरंग जितनी ऊंची उठी वो क्या कहलाता है, आपकी एम्पलीट्यूड कहलाती है, जो हाइट होती है। लेकिन अगर तरंग में बात करी जाए तो उसी हाइट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखिए दोस्तों जब वह सबसे ऊंची पॉइंट पर होगी, तो वह जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वह कहलाता है क्रेस्ट, जिसे हम बोलते हैं शीर्ष। लेकिन वही तरंग जब नीचे आती है, और नीचे आते हुए जब सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, ये कहलाता है आपका गर्त, जिसे हम कहते हैं ट्रॉफ, ठीक है, ट्रॉफ जिसे हम कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऊपर वाला होता है शीर्ष और नीचे वाला होता है गर्त, ठीक है। तो इसी के रूप में आपकी अनुप्रस्थ तरंगें संचरित करती हैं। क्वेश्चन आए कि अगर शीर्ष और गर्त किन तरंगों में बनता है, तो शीर्ष और गर्त जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों में ही बनता है। और अनुप्रस्थ तरंगें सिर्फ ठोस में और द्रव की ऊपरी सतह पर, क्योंकि जो लहरें उठती हैं वो द्रव में ऊपरी सतह पर ही उठती हैं, और वही क्या होती हैं, आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो यांत्रिक तरंगें, अब तरंगें आपको पता चल गई, तरंगें में मैंने आपको बताया यांत्रिक और विद्युत तरंगे। तो अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया क्या, यांत्रिक तरंगे जिनमें एक माध्यम चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अयांत्रिक तरंगे, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, वहाँ पर किसी भी माध्यम की ज़रूरत होती ही नहीं है, यही मेन डिफरेंस होता है दोनों में। तो अभी तो माध्यम चाहिए था तरंग उत्पन्न करने के लिए, और यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की थी आपकी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। दोनों क्लियर हो गई, एक में कंपन सेम डायरेक्शन में होता है, एक में कंपन से तरंगे जो हैं वो लंबवत होती हैं, एक में क्या होता है आपका शीर्ष और गर्त बनता है, जबकि आपका दूसरे में जो है वो दूसरा उसमें क्या होता है आपकी स्ट्रेट चलती हैं। तो आई होप आपको ये जो है वीडियो जो है बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का आगे का कंटिन्यू पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।